वॉट लेड टू द फेलियर ऑफ दिस रदरफोर्ड मॉडल, राइट? और वाई डिड रदरफोर्ड मॉडल फेल्ड एट ऑल, एंड द रीजन बिहाइंड इट इज एज साइटेड बाय बोर, नील्स बोर, और पॉइंटेड बाय नील्स बोर वाज ही टुक दिस थिंग आइडिया फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशंस, और मैक्सवेल्स इक्वेशन ये बोलता है, मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन, और वो बेसिकली उसको बोलते हैं ईएमआई इक्वेशन। एक्चुअली ये चार सेट ऑफ इक्वेशंस हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इंटर रिलेशन को बताते हैं, ठीक है? और ये बोलता है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, और दोनों जब प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट, स्पॉन्टेनियसली क्रिएट डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर या म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना भी हो, पैरेलल नहीं होने चाहिए सिर्फ दोनों, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए, दिस शुड बी एट सम एंगल टू ईच अदर अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो देर इज गोइंग टू बी इंस्टेंटेनियस डेसिपेशन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। जैसे लाइट, लाइट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हम लोग को पता है, क्या सुना है कभी हम लोगों ने? यस सर, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों है? लाइट या मतलब जुजन वेव्स का प्रोपोगेशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोगेशन के थ्रू होता है, ठीक है। लाइट के दो कंपोनेंट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक इस प्लेन का, इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, और इसमें भी साइनोसोइडल साइन कर्व इस तरीके का भी थोड़ी देर में वो भी बना के दिखाऊंगा, ठीक है। और दूसरे प्लेन में ये बात समझ में आ रही है हम लोग को क्या?
अच्छा इस डायग्राम में मान लो ये क्लियर नहीं है ना, आई हैव वन मोर डायग्राम, पहले कभी तो बनाया हुआ है दूसरे बच्चों को बताने के लिए। 11 कहीं तो बनाया होगा, इस टाइप का प्रोपोगेशन होता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले प्लेन में, और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोगेशन इस प्लेन में होता है, और इस तरीके से होता है सिनोसाइडल वेव के फॉर्म में। और लाइट का मूवमेंट, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट जो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, यानी ये तीनों काम म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली यहाँ पर एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है, और एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड मूवमेंट ऑफ लाइट या वेव जो है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव दैट इज हैपनिंग इन एक्स डायरेक्शन। तो ये तीनों काम जो होते हैं दे टेक प्लेस म्यूचुअली इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। एनीवे मतलब ये वाली चीजें तो खैर आप लोग आगे पढ़ोगे, बट अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये जानना कि दो चीजें समझनी। पहली चीज नंबर वन, और ओवरऑल मैक्सवेल्स का आइडिया क्या था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और दूसरा चेंजिंग मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक। Can create electric field plus current. तीसरा existence of mutually परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और एग्जिस्टेंस ऑफ या म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूसेस
leads to spontaneous release of dissipation of energy. Spontaneous release or dissipation of energy in form of electromagnetic waves. ठीक है, सो ये थर्ड वाला काम चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली. फाइन. Now, it was for us to understand that why there is time-varying electric and magnetic field. ठीक है ना? Simple सी चीज है कि अगर हमारा चार्ज, जो भी चार्ज है, वो अगर चल फिर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका भी वेरिएशन होगा. ठीक है ना? तो हमारे रदरफोर्ड मॉडल के अंदर दिस वाज एन एटम एज प्रपोज्ड बाय हिम एंड दिस वाज द न्यूक्लियस और इसके अराउंड ये सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन इज मूविंग. एम आई मेकिंग सेंस? इज इट ओके? यस. ठीक है. सो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है इस तरीके से और पार्टिकल. नाउ द पॉइंट इज कि चूंकि ये मूव कर रहा है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो मूविंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज गोइंग टू हैव मूविंग electron implies changing electric field, right? अब दूसरा point ये था कि the electron was not only moving, it is accelerating as well. ठीक है, electron जो है ये accelerate भी कर रहा है यहाँ पर. तो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा चेंजिंग करंट. सिर्फ मूविंग, सेम स्पीड से अगर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन मतलब करंट लेते हैं हम लोग 5 meter per second, 5 ampere का. ठीक है, 5 ampere करंट का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट से 5 coulomb चार्ज पर सेकेंड मूव कर रहा है, राइट ना? यानी हर सेकेंड में, हर एक सेकेंड में टोटल 5 coulomb ऑफ चार्ज इस पर्टिकुलर प्लेस से मूव कर रहा है. ये बात समझ में आ रही है? ओके. अब दूसरी चीज, अगर हम लोग अगर ऐसे मान लेते हैं कि द चार्जेस आर एक्सेलरेटिंग, अच्छा हर एक सेकेंड में 5 coulomb चार्ज यहाँ से अगर मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो है वो एक सेकेंड में, मतलब यहाँ से क्रॉस किया, वो डिस्टेंस भी तो कुछ ट्रेवल करेगा ना अगर वो मूव कर रहा है तो, राइट? तो एक सेकेंड में वो एक फिक्स डिस्टेंस डी ट्रेवल करेगा, जिसकी वजह से इसका वेलोसिटी हो जो होगा वो डी बाई टी के फॉर्म में हम लोग देंगे, द कांस्टेंट वेलोसिटी.
बात समझ में आ रही है? अब दूसरे टाइम पे दूसरा जो करंट को देख रहे हैं हम लोग, उसमें हो क्या रहा है कि इस सेक्शन से क्रॉस करता हुआ, फर्स्ट सेकंड में हमने देखा तो देयर वेयर से 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज, सेकेंड सेकेंड में देखा हमने 2 सेकेंड पर देवर 4 कूलम्ब ऑफ चार्ज, थर्ड सेकेंड में देर आर मे बी 6 और मे बी 8 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी 1 सेकेंड में, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में 2 कूलम चार्ज फ्लो हुआ, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में 4 कूलम चार्ज फ्लो हुआ, 2 से 3 कूलम सेकेंड के बीच में टोटल 4 कूलम और चार्ज फ्लो हुआ, या 8 कूलम चार्ज फ्लो हुआ। ठीक है, 8 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो। तो इस 1 सेकेंड में हमारा करंट क्या रहेगा? 2 एम्पियर। यहाँ पर 1 सेकेंड में करंट 4 एम्पियर, और यहाँ पर 1 सेकेंड में करंट क्या रहेगा? 8 एम्पियर। राइट, फर्स्ट सेकेंड में 2 कूलम चार्ज, सेकेंड सेकेंड में 4 कूलम चार्ज, थर्ड सेकेंड में 8 कूलम चार्ज। करंट इज चेंजिंग विद टाइम, राइट? ये क्लियरली विजिबल है हम लोगों को। अब यहाँ पर डिस्टेंस के फॉर्म में देखते हैं, पहले सेकेंड में 2 कूलम चार्ज फ्लो करते हैं। ठीक है, 2 कूलम चार्ज फ्लो किया मतलब इसकी स्पीड कम रही, राइट ना? यानी अगले 1 सेकेंड में ये 2 कूलम चार्ज जो होगा वो मे बी डिस्टेंस d1 ट्रेवल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी स्पीड कम है। अगले एक और सेकेंड में, मतलब 1 से लेकर के 2 के इंटरवल में, इसी जगह से 4 कूलम चार्ज फ्लो किया। ठीक है, और चार्ज फ्लोइंग है, अगर फ्लो ही कर रहा है तो ये चार्ज कहीं पर रुकेगा नहीं, इसको फ्लो करना है आगे भी, राइट? अब यहां पर चूंकि इसका स्पीड बढ़ा, फास्ट हुआ तो इट इज गोइंग टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस। सपोज ये d2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, ज्यादा सेम टाइम फ्रेम में अगर इस जगह से ज्यादा चार्जेस फ्लो किया, इसका मतलब क्या हुआ? द स्पीड ऑफ चार्जेस हैज इंक्रीज्ड। एम आई मेकिंग सेंस? और चूंकि स्पीड बढ़ा तो यहां पर सेकेंड सेट ऑफ चार्जेस के थ्रू जो डिस्टेंस कवर्ड होएगा दैट शुड इंक्रीज। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग d1 इज गोइंग टू बी लेस देन d2। एंड फिर थोड़ी देर बाद, 1 सेकेंड के बाद, यहाँ से 8 कूलम चार्ज टोटल फ्लो हो जाते हैं, मतलब स्पीड और बढ़ गई होगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी d3, राइट? तो ये बात कोरिलेशन डिस्टेंस या एक्सेलरेशन का चेंज इन करंट से आप लोगों को स्टेब्लिश हुआ क्या दिमाग में थोड़ा सा? जस्ट सिंपल रिलेशनशिप, जिससे आप ये समझ पाओ कि द एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट, ये दोनों की स्टेब्लिशमेंट करता है। मूविंग इलेक्ट्रॉन इम्प्लाइज करंट, ठीक है, और एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चेंजिंग करंट। ठीक है, और सिर्फ करंट अगर रहता है, ठीक है, सिर्फ करंट है नॉर्मल और नॉन चेंजिंग करंट, ठीक है, मतलब करंट सिर्फ है, जो चेंजिंग है नॉन चेंजिंग है फर्क नहीं पड़ता है। करंट अगर होता है तो यू हैव मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और चेंजिंग करंट अगर रहता है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। बात समझ में आ रही है? आर वी एबल टू अंडरस्टैंड इट और नॉट? थोड़ा यस सा समझ में मत, थोड़ा सा ही समझना है, डिटेल में नहीं जाना है। ये वाली चीज समझाने के पीछे ये था कि अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो इट शुड कम इनटू योर माइंड इंटुइटिवली, इंटुइटिवली
अभी के लिए, बाकी इसके इक्वेशंस तो आपको एनीवे फिजिक्स में पढ़ने हैं। मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन जो होता है वो दो होता है, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस सॉरी मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड भी आइडियल से दिया जाता है, आइडियल 1/4 पाई सॉरी म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन होता है। अब ये आइडियल जैसे ही हम लोग लिखते हैं ना, दिस बिकम्स, इसको अगर हम देखें तो आई इज डी क्यू बाई डी टी, चेंज इन करेंट सॉरी चेंज इन चार्ज, मोमेंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या अगर चेंजिंग चार्ज है तभी उसको बोलेंगे, चार्ज की क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में तभी उसको बोलेंगे करंट एस्टैब्लिश हुआ। डी क्यू बाई डी टी इंटू डी एल, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से डी टी को इधर भी ले लेकर के आ सकते हैं, सो इट विल बिकम डी क्यू इंटू डी एल बाई डी टी। ठीक है, ये हो जाता है V और ये हो जाएगा Q। सो दूसरा फॉर्मूला जो इसका हो जाता है वो हो जाता है V इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू डी वी बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक, मैं ये इक्वेशन में मैं लेके नहीं जाना चाहता था आप लोगों को अभी के लिए, बट ठीक है, ये भी एडिटिव है, इसके थ्रू समझ सकते हो। यू हैड एन आइडिया कि करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड आती है, मुझे बस ये समझाना था आपको कि अगर चेंजिंग करंट है तो उससे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों अगर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 3 जो है वो मीट हो गया, और पॉइंट नंबर 3 अगर मीट हो गया व्हाट विल हैपन, देर विल बी अ कंटिन्यूअस डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट टेकिंग प्लेस, रिलीज और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इज इट ओके? बट ये कब होगा, टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होंगे तभी, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट एक्सिलरेशन की, एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दैट थिंग इज बीइंग फुलफिल्ड, राइट। तो इसके वजह से ही बेसिकली बोर्स टोल्ड दैट लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल अच्छा डिड आई टोल्ड यू गाइस ना कि बेसिकली रदरफोर्ड मॉडल में उसने ऑर्बिट वगैरह के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा, और ऑर्बिट का नेचर क्या था, सर्कुलर ऑर्बिट है, ध्यान में रखना। तो सर्कुलर ऑर्बिट्स के बारे में सबसे पहले प्रपोज कौन करता है, रदरफोर्ड मॉडलिंग करता है। न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले प्रपोजिशन कौन देता है, रदरफोर्ड मॉडल देता है, इज इट ओके? ठीक यस सर। तो लिमिटेशंस क्या है इसके, तो दो एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस
न्यूक्लियस। Establishment of time varying electric and magnetic fields. Simultaneously and this leads to emission of energy, and this leads to emission of energy in, and this must lead to emission of energy in form of electromagnetic waves. Using so basically waves के form में energy lose करेगा इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लूज करेगा तो वो किस तरफ मूव करने लगेगा? जैसे देखो मेरे बोलने का पॉइंट क्या है, अगेन फिर से यहाँ पर आते हैं ये वाले डायग्राम पे। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। अब इस पर फोर्स हमको पता है कि अंदर की तरफ नेट फोर्स लग रहा है, राइट ना, न्यूक्लियस की तरफ। तो और ये एनर्जी लूज किया, तो एनर्जी लूज किया तो ये किस तरफ मूव करेगा? अंदर की तरफ, अरे इसके पास काइनेटिक एनर्जी था यहां पे ना, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों मिला करके उसके पास कुछ टोटल एनर्जी रहेगी, ठीक है। और ये टोटल एनर्जी कम हुआ तभी तो ये एनर्जी जो है वो प्रेसिपिटेट किया वेव के फॉर्म में ना, अदरवाइज वो एनर्जी आएगा कहाँ से? तो टोटल एनर्जी इसका कम हुआ, टोटल एनर्जी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगा, कमती होएगा, या कोई एक कम होगा तो एक कम होएगा। मान लो काइनेटिक एनर्जी कम होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो क्या होगा, इसका मोशन स्लो डाउन होगा, एंड द मोमेंट मोशन स्लोज डाउन, ये इस ऑर्बिट में क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि इसका स्पीड mv स्क्वायर r के बराबर है, ठीक है ना। ये सेंट्रिपिटल फोर्स, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, तभी इसमें ये मूव कर रहा था ना। अभी अगर स्पीड स्लो हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, डोमिनेट करने लगेगा। डोमिनेट करने लगेगा तो क्या होगा, फिर से बैलेंस करने के लिए इसको रेडियस को छोटा करना पड़ेगा अपने, राइट। तो ये इट विल स्टार्ट मूविंग लाइक दिस, रेडियस कैसे छोटा होगा?
फोर्स को बैलेंस करने के लिए, वेलोसिटी अगर कम हुआ तो रेडियस को भी छोटा करेंगे तभी तो फोर्स के फिर से बैलेंस बराबर होगा ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? अब अगर इसी डिस्टेंस पर, ये वाले डिस्टेंस पर ही अगर इसको मूव कराते रहेंगे इससे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सेम लेवल का रहेगा, बट वेलोसिटी हमारी कम हो गई है, वेलोसिटी कम हो गई है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए हमको थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा, खसकना पड़ेगा, सो दैट हम मूव करते हुए यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसके बराबर हम बैलेंस कर पाए, ठीक है? इसलिए रेडियस श्रिंक करते जाता है, और श्रिंक करते हुए करते हुए करते हुए फाइनली न्यूक्लियस में आके गिरेगा। एंड बोर्स ने एक्चुअली इस किसी भी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में आके फॉल करने के लिए जो टाइमिंग था वो भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है? तो दिस मीन्स This means accelerating electron will lose energy in form of electron मैग्नेटिक वेव एंड दस देयर टोटल एनर्जी विल डिक्रीज, ठीक है? दिस विल लीड टू पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ विल डिक्रीज। अब इमिशन हो गया एनर्जी का, टोटल एनर्जी डिक्रीज कर गई, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन विल मूव closer to the nucleus in spiral path. In less than few micro seconds. बट सर एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेबल मोनो एटॉमिक गैसेस दैट इज नोबल गैसेस
insists that no such behavior is observed. ठीक है, एंड दैट बिकेम अ काउंटर पॉइंट फॉर सॉरी नील्स बोर. दिस होल थिंग वाज गिवन बाय हिम ओनली. ऐसे ऐसे कॉल करेगा एंड टाइम भी कैलकुलेट किया कि माइक्रो सेकेंड्स के अंदर वो अंदर चला जाएगा तो द एटम विल कोलैप्स. हेलो सर. हाँ, एंड यहाँ पर एक सेकेंड, एंड कॉल. सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बच्चा, बोलो ना. ओके सर. इन लेस देन टू माइक्रो सेकेंड. ठीक है ना, सो जस्ट टेक इट डाउन, then we will move further. So this was the main contention of Rutherford. ठीक है, और इसको थोड़ा सा अच्छा ये चीज तो समझ में आई है कि continuous energy emission होगा in form of electromagnetic wave. लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोएटॉमिक स्टेबल मोनोएटॉमिक गैसेस वाज इंसिस्टिंग दैट नो सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एवर ऑब्जर्व्ड इन एन एटम. इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन देयर इज सम स्पेशल फेनोमेना व्हिच आर टेकिंग प्लेस. अगर हम उसको एनर्जी देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो एनर्जी लेने के फिर से वो एनर्जी इमिट करता है, तभी हमको उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखने के लिए मिलता है. और वो भी अगर हम मान लो दे रहे हैं सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसको, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक्सेप्ट भी नहीं करता है. उसमें से हर एटम अपने हिसाब से चूज एंड पिक करता है कि मैं यही वाला को एक्सेप्ट करूंगा और बाकी सारे को रिजेक्ट कर देता है. ठीक है, तो ये चॉइस ऑफ पिकिंग जो है उनका, दैट इज वेरी मच डिस्क्रीट. वेरी मच डिस्क्रीट का मतलब बहुत ही फिक्स्ड है. मतलब जैसे 500 हर्ज फ्रीक्वेंसी का या 5000 हर्ज फ्रीक्वेंसी का अगर वेव को वे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दे आर ऑलवेज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट ओनली. मतलब जब भी नॉर्मल एटम्स कोई डालेंगे रखेंगे उस टाइप का, जैसे हीलियम की बात करें तो हीलियम अगर 300, 500 और 900 ये तीन को अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा इन्हीं तीनों को एक्सेप्ट करेगा. बाकी के बीच वाले जो रेडिएशंस होंगे ना, फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशंस, उनको एक्सेप्ट करता ही नहीं है. एंड दिस वाज अ बिग पजल, ऐसा कैसे हो रहा है? एक्सेप्ट करना या रिलीज भी जब करना है तो वो 300 500 और 900 कहीं करेगा और बाकी बीच वाले करता भी नहीं है. जो एक्सेप्ट करता है उसी को फाइनली फिर रिलीज करता है. तो इस चीज को बोलते हैं डिस्क्रीट इमिशन. क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट इमिशन. और अगर सिनेरियो ऐसा होता कि सारे के सारे को एब्जॉर्ब किया, मतलब 300 से लेकर के 900 के बीच के सारे हमने रेडिएशन उसके ऊपर डाले और सबके सबको एब्जॉर्ब कर लिया और फिर इमिट करते टाइम भी सारे को इमिट कर दिया. ठीक है, तो इस चीज को जो बोलेंगे दैट इज मतलब एब्जॉर्प्शन वाली तो बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो जब देंगे तभी वो फिर रिलीज करेगा, अदरवाइज उसके पास थोड़ी पड़ा हुआ है कि वो रिलीज करेगा. तो एक साथ जब सारे रेडिएशंस को रिलीज किया जाता है तो इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. डिस्क्रीट जब सिर्फ एक दो या तीन, मतलब जो पर्टिकुलर वैल्यूज है सिर्फ उन्हीं को इमिट किया जा रहा है तो वी कॉल इट डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट इमिशन स्पेक्ट्रम. तो अभी हम लोग उसके बारे में, उन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि बोर्स मॉडल में हमें उसी की जरूरत पड़ने वाली है. यहीं से चालू हो गया, ये पॉइंट नोट कर लिया हम लोगों ने. शुड आई मूव ऑन? यस सर.
और तो ये एक हो गया पॉइंट, और दूसरा पॉइंट और नोट करना है यहाँ पर. यू गाइस कैन नोट इट डाउन लाइक कुड नॉट एक्सप्लेन. Could not explain in instant spectrum of hydrogen atom. ठीक है. Now let us take it further and let me explain to you guys few things like some properties of waves. ठीक है. वेव क्या होता है? What is wave? वेव के बारे में सुना है कभी कुछ? A physical phenomena in which energy energy is transferred from one place to another via the physical phenomena in which energy is transferred from one place to another via disturbances, disturbances or Via अरे यार बहुत बोर्ड क्यों नहीं आ रहा. इनोवेशन करके एक वर्ड होता है, उसका स्पेलिंग मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ. नहीं, इनोवेशन वर्ड नहीं है एक्चुअली, वो दूसरा वर्ड होता है. दिस एनोटेशन
वायर डिस्टर्बेंसेस इन अ मीडियम और इन फ्री स्पेस. अब ये डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं, ये अलग अलग टाइप के डिस्टर्बेंसेस हो सकते. सम डिस्टर्बेंसेस कुड बी मैकेनिकल इन नेचर, सम डिस्टर्बेंसेस कुड बी नॉन मैकेनिकल इन नेचर. मैकेनिकल इन नेचर का, मैकेनिकल इन नेचर होने का मतलब क्या होता है? व्हेन डिस्टर्बेंसेस आर एक्चुअली कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, जैसे मीडियम के थ्रू अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है तो मीडियम के पार्टिकल्स भी उस डिस्टर्बेंस को मूव करने या प्रोपोगेट करने में हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल्स भी खुद मूव करेंगे या हिलेंगे डुलेंगे, या ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू मूव, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस, जो भी डिस्टर्बेंस है, उस डिस्टर्बेंस को पास करने में हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, फ्री स्पेस में सेम चीज अगर होना है, देयर इज नथिंग देयर, तो वहां पर मीडियम के वाया प्रोपोगेट करने वाली जो चीजें होंगी, ठीक है, मैकेनिकल मोड में, वो सारी क्या होंगी, नहीं हो पाएंगी. लेकिन वहां पे फील्ड्स के फॉर्म में, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में अगर कोई चीज प्रोपोगेट करना चाहता है, मूव करना चाहता है, या फिर आपको दूसरे फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ट्रेवल या मूव करना चाहते हैं, दे कैन डू इन दैट इन फ्री स्पेस. ठीक है, बट मैकेनिकल वाले क्या है, दे विल रिक्वायर अ फिजिकल मीडियम, कुछ चीज चाहिए होगी उनको प्रोपोगेट करने के लिए, अदरवाइज वो प्रोपोगेट ही नहीं कर पाएंगे. ये बात समझ में आ रही है? तो दो टाइप के, मतलब दो टाइप बोलना, मतलब इससे टाइप बोलना इज नॉट इंटेंटेड. देयर आर बेसिकली वेव्स हमारे जो होंगे, दे आर गोइंग टू बी मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. मैकेनिकल वेव्स विल रिक्वायर अ फिजिकल मीडियम. फिजिकल मीडियम मतलब प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम इन ऑर्डर टू मेक इट पास थ्रू इट. ठीक है, अगर मीडियम के अंदर से पार्टिकल्स को हम हटा देते हैं तो फिर हमारे मैकेनिकल वेव्स का ट्रांसमिशन जो होगा वो खत्म हो जाएगा. बात समझ में आ रही है? अब मैकेनिकल वेव्स क्या है, जैसे साउंड वेव जो होता है हमारा, या प्रेशर वेव जो होता है, जो मैं बोल रहा हूँ आप तक पहुंच रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेशर वेव मैं क्रिएट कर रहा हूँ. मेरे थ्रोट जो है वो वोकल कॉर्ड्स, दे आर क्रिएटिंग प्रेशर वेव्स, देयरफॉर यू आर एबल टू listen to my phonetics. ठीक है, and so pressure waves हुआ, या और किसी तरह का, अभी और दो तीन, जैसे वेव ऑन अ स्ट्रिंग हुआ, या फिर आपका रिपल्स होता है, वाटर रिपल्स. वाटर नहीं रहेगा, मीडियम नहीं रहेगा, तो रिपल्स नहीं क्रिएट हो सकते. ठीक है, हवा में रिपल्स, हवा में भी रिपल्स क्रिएट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट हवा भी तो मीडियम ही है ना, बिना हवा के रिपल्स क्रिएट नहीं हो सकता. दैट वुड बी द राइट थिंग टू से, इजंट इट? यस. ठीक है ना? ओके, सो In which energy is transferred one via to another via disturbances in a medium or in free space. ठीक है, अब ये waves जो होते हैं, they have been, जैसे अभी मैंने बोला, they have been divided into waves. इनके दो categorization है, have been categorized. Into two types. ठीक है, पहला होता है longitudinal wave
नल वेव, ठीक है, और दूसरा होता है ट्रांस वर्स वेव, ठीक है। दो वेव्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वेव का जो मोशन होगा, ठीक है, मतलब वेव के प्रोपोगेशन का मोशन डायरेक्शन, वेव के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन और मीडियम पार्टिकल्स के मूवमेंट का डायरेक्शन या डिस्टर्ब होने का डायरेक्शन, ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन कोइंसिडेंट होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। मतलब मीडियम पार्टिकल का मीडियम का जो पार्टिकल है वो ऐसे और ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, और इस ऑसिलेशन से जब ये यहाँ जाएगा तो अपने बाजू वाले पार्टिकल को भी ये आगे की तरफ पुश करेगा, जिसकी वजह से आगे वाला आगे को और आगे वाला अपने आगे को पुश करता जाएगा, ठीक है, और फिर ये पीछे आएगा अपने पोजीशन पर, फिर से आ गया। सो बेसिकली ये अपनी पोजीशन पर ही टू एंड फ्रो करते रहते हैं, और उस प्रोसेस में ये हर बार अपने बाजू वाले को टू जब करता है तो राइट साइड में पुश कर लेगा, और फिर फ्रो करेगा तो लेफ्ट साइड में पुश कर लेगा, ठीक है। टू एंड फ्रो में ये अपने बाजू वाले को आगे की तरफ धकेलता रहता है ऑल द टाइम, ठीक है, और आगे वाले को धकेलता रहता है। तो इस फॉर्म में एनर्जी जो है एक प्लेस से दूसरे जगह पीसफुली ट्रांसफर होते रहती है। बात समझ में आया? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में मीडियम के पार्टिकल्स का मोशन और वेव के प्रोपोगेशन का मोशन दैट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली इन सेम डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? Example of longitudinal wave can be, examples of longitudinal waves are, जो साउंड वेव्स जो होते हैं ना, जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली सारे के सारे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। हम लोग बोलते हैं और हम लोगों ने प्रेशर जो क्रिएट किया वो प्रेशर मीडियम हमारे माउथ के जस्ट बाहर जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनको प्रेस करता है, उसको प्रेस करता है तो वो पार्टिकल्स आगे की तरफ मूव करके फिर से वापस अपनी पोजीशन पर आते हैं, ठीक है। अगला वाला पार्टिकल को वो आगे की तरफ पुश किया, ये वाला आगे की तरफ पुश किया, तो इस फॉर्म में हमारे माउथ से जो एनर्जी निकली, ठीक है, वो एक एक करके एक एक करके एक एक करके एक एक करके आगे की तरफ मूव करती जा रही है, और ये टकराने के बाद अगले वाले पार्टिकल से वापस अपने पोजीशन पर, इसी पोजीशन मीन पोजीशन पर आकर के या तो रुक जाएगा या वाइब्रेट करता रहेगा, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करता रहेगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में जो ट्रांसमिशन होता है वेयर प्रोपोगेशन या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो लेट अस टेक द एग्जाम, ये डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव फर्स्ट। दोज वेव्स
डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मीडियम एज same as those waves in which direction of vibration of particles of the medium is same as direction of propagation of wave through medium. Okay. Are known as longitudinal waves. So these are the particles of the medium, and these particles are going to move in this and this to and fro directions. And the wave will propagate in this direction. Okay. Examples of it are all pressure waves. Pressure waves. ठीक है, जितने भी प्रेशर वेव्स होंगे, प्रेशर वेव्स का मतलब साउंड वेव, बेसिकली साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेशर वेव. ठीक है, सो ऑल प्रेशर वेव्स आर गोइंग टू बी लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर नेचर अच्छा. और एक चीज और इसमें, ओके, जस्ट टू दूसरे जो ऑल प्रेशर वेव्स, दिस इंक्लूड साउंड वेव्स एंड देर आर सिस्मिक वेव्स, पता है हम लोगों को. नहीं सर. क्या बोल रहे हो, भूकंप आता है? दे आर सिस्मिक वेव्स. ठीक है, ओके. द अनदर वन इज ट्रांसवर्स वेव. इनका क्या होता है कैरेक्टर, इनका कैरेक्टर ये होता है कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन propagation of wave is
perpendicular to the direction of propagation of wave is perpendicular to the direction of vibration vibration of particles of the medium. ठीक है. और examples are string waves, ripples, light, etc. ठीक है. Light is also a transverse wave, or all electromagnetic waves are transverse waves. EM waves. ठीक है. अब यहां पर होता क्या है, स्ट्रिंग वेव में क्या होता है कि इस तरह का बिहेवियर हम लोग को देखने के लिए, अगर स्ट्रिंग एक लिया हमने, उसको अपने हाथ से प्लग करके दूसरे एंड को बांध के भी रख सकते हैं, नहीं भी बांध के रख सकते हैं. We are going to see वो इस तरह के फॉर्म में अपने आप को ये करते जाता है और इसी के थ्रू ये एनर्जी का प्रोपोगेशन होता है. ठीक है. तो वो एग्जैक्टली होता क्या है, सेम रस्सी जो होती है वो ऊपर जाती है फिर नीचे आती है इसी जगह पर, ये थोड़ी देर बाद फिर ये नीचे आ जाती है और इसी तरीके से वो वेव. तो बेसिकली जो पार्टिकल हुए वो अपनी जगह पर अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं. राइट. अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं और वेव का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन क्या है, ये वाले डायरेक्शन में वेव आगे चला गया, एनर्जी जो है वो आगे मूव कर गए. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट. सेम हैपेंस विद द रिपल. वाटर जो है वो इस तरह से अप एंड डाउन करता है और रिपल जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है. पानी के अंदर एक कंकड़ डालते हैं, रिपल्स क्रिएट होते हैं, वाटर मूव नहीं करता है. वाटर नेवर मूव्स फ्रॉम हियर टू देयर रिपल्स के केस में. ठीक है. जो वाटर जहाँ का है वहीं पे रहता है, वो सिर्फ ऊपर नीचे होता है और उस पीरियड में वेव जो एनर्जी होती है वो आगे की तरफ मूव करती है. So are we getting this point? या कुछ और डिटेल्ड विजन चाहिए? हाँ हेलो आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? नहीं सर, समझ गया. समझ गया ना. ठीक है. तो समझ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं. अगर नहीं समझा तो फिर वी कैन आई वुड हैव शोन यू अ ग्राफिकल थिंग, लाइक आप भी देख सकते हो. यू कैन जस्ट ब्राउज थ्रू लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव विकिपीडिया पर या किसी एक पर, आपको इनका ये वो क्या बोलते हैं लाइव वाला ये ग्राफिक्स बना के रखते हैं, वो ग्राफिक्स आपको दिख जाएगा एंड दैट विल. बट उसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है. जरूरत जिन चीजों की है वो अब मैं बता रहा हूँ. ठीक है. तो ईएम वेव्स आर गोइंग टू बी ट्रांसवर्स वेव्स और ईएम वेव्स इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन. एक कैटेगरी हुआ मैकेनिकल वेव और दूसरा कैटेगरी हुआ ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है. अच्छा देखो यहाँ पर मैकेनिकल वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स दोनों हो सकता है. लाइक साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बट रिपल्स एंड स्ट्रिंग वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स. ठीक है. सो प्रेशर वेव्स कैन बी आइदर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑलवेज ट्रांसवर्स.
ठीक है, दे कैनॉट बी लॉन्गिट्यूडनल. मेकिंग सेंस? और मैकेनिकल वेव कब बोलते हैं? जब पार्टिकल्स के मोशन के थ्रू, मीडियम के पार्टिकल के मोशन के थ्रू हमारे वेव का प्रोपोगेशन हो, वेव एनर्जी का प्रोपोगेशन हो, तो व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी मैकेनिकल, मैकेनिकल. ठीक है, और जब हमें मीडियम के पार्टिकल्स के का जरूरत ना हो प्रोपोगेशन के लिए, वेव के, वेव एनर्जी के प्रोपोगेशन के लिए, वी कॉल इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन जनरल, और नॉन मैकेनिकल टू बी स्पेसिफिक. ठीक है, मैकेनिकल में मीडियम के पार्टिकल्स के मूवमेंट की जरूरत पड़ती है, उनके हेल्प, उनके असिस्टेंस के बगैर हमारे वेव का मोशन नहीं हो सकता है, या वेव एनर्जी का प्रोपोगेशन नहीं हो सकता, राइट. बट ऑन कॉन्ट्रारी नॉन मैकेनिकल वेव्स में द इंटरेक्शन विद द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज वन सच नॉन मैकेनिकल वेव. ठीक है, तो ये एक छोटी सी पॉइंट लिख लेते हैं, बट इसका केमिस्ट्री में कोई यूज नहीं है, फिजिक्स के लिए ये आपके दिमाग में रह सकता है. ठीक है, वेव्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज मैकेनिकल एंड non-mechanical waves. Those waves which requires assistance of medium or are systems of particles of medium, systems of particles of medium in order to propagate its energy are known as mechanical waves. Those waves in which assistance of particles are not mandatory for propagation of wave energy is known as non-mechanical wave. Example, all electromagnetic magnetic waves okay.
सर एक सेकंड मैं चेक कर रहा हूँ। डोंट सर सी जब पार्टिकल्स वगैरह का मोशन हो रहा होता है तो उनके मोशन को कैटेगराइज करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। वो स्पेसिफिक पैरामीटर्स क्या होते हैं? स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है। वेव्स को जब मुझे कैटेगराइज या हम लोगों को कैटेगराइज करना होता है या उनका हम लोग ऐसे बोले कि प्रॉपर्टीज के बारे में अगर उनके हम डिस्कस करना चाहते हैं तो स्पीड, एक्सीलरेशन जैसे वर्ड्स जो हैं दे डू नॉट हैव दैट ग्रेट सिग्निफिकेंस, ठीक है। इंस्टेड वेव्स के केसेस में या वेव्स को कंपेयर करना है दूसरे वेव से तो द पैरामीटर्स विच वी थिंक ऑफ और विच वी डिस्कस आर क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। वो पैरामीटर्स क्या है? सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स ऑफ अ वेव, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू गाइस नाउ, ठीक है। दोस कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स आर सर अभी का लेक्चर कब तक है? अभी 10 मिनट में खत्म करूंगा। ओके सर। आनंद सर का है कि मनीष का है? आनंद सर का है सर। ओके 10 बजे से होगा ना कि 9:30 से? 9:30 सर। अच्छा 2 मिनट दो मुझे, बस मैं अब खत्म ही करता हूँ। इसमें खाली बेसिक चीजें मैं बता लूं। सी यहाँ पर दो तीन चीजें जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो होती हैं लाइक देखो ये डिस्टरबेंस बेसिकली इस तरीके से साइनोसाइडल वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है और मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है सो प्लीज एक्सक्यूज। और ये वाला पोर्शन जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट। सो ऑल द अप गोइंग थिंग्स द मैक्सिमास द हाईएस्ट पिक्स आर क्रेस्ट, ठीक है। एंड द लोएस्ट पॉइंट्स आर कॉल्ड ट्रफ्स। This is a trough. This is a trough. TROUGH. ठीक है। और ये जो पॉइंट्स होते हैं जब ये जीरो लाइंस को क्रॉस करते हैं दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज नोड्स। ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स, टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, ठीक है। टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट or two consecutive troughs are known as or is known as lambda or wavelength. Wavelength. ठीक है। और
एक सेकेंड में किसी भी पोजीशन पे, यहाँ पे जैसे इस पोजीशन की अगर बात करें हम, इस पोजीशन पर कितनी बार क्रेस्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, एक सेकेंड में कितनी बार यहाँ पर क्रेस्ट क्रिएट हुआ, वो जो काउंटिंग होती है दैट काउंटिंग इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। या किसी भी पॉइंट पर ऐसे, जैसे इस पॉइंट पर क्रेस्ट हुआ तो इस पॉइंट पर नोड कितने बार क्रिएट हुआ, एक्चुअली नोड दो बार क्रिएट होता है, तो जितने नोड्स क्रिएट होंगे दैट डिवाइडेड बाय 2 इज गोइंग टू बी योर फ्रीक्वेंसी। इस पॉइंट पर ट्रफ कितनी बार क्रिएट हुआ, ट्रफ जितनी बार क्रिएट होगा उतनी बार हमारा क्या होगा, वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। तो पर सेकंड किसी भी पॉइंट पे, और जरूरी ये देखो क्रेस्ट सिर्फ यहीं पे नहीं रहेगा, यहां पर भी क्रेस्ट बनेगा, ये इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने लिया है, तब ये ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर नोड है, थोड़ी देर बाद ये वाला पोजीशन यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है, दैट इज अनदर टाइप ऑफ वेव, उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा बट नॉट राइट नाउ। ये बोर्स मॉडल होने के बाद सोडिंजर के जस्ट पहले स्टैंडिंग वेव्स करके वेव होगी, उसके बारे में, उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसकी जरूरत मुझे पड़ेगी सोडिंजर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, सोडिंजर्स के ये को, आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके आफ्टर इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अभी के लिए ये किसी भी पॉइंट पर कितनी बार क्रेस्ट क्रिएट हो रहा है एक सेकेंड में, दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट आर नोन एज वेवलेंथ, ठीक है। तो ये दो चीज समझ में आई हम लोगों को, वॉट इज फ्रीक्वेंसी एंड वॉट इज वेवलेंथ, ठीक है। अब ये लेंथ है तो इसका यूनिट क्या रहेगा, इट विल बी इन मीटर और सेंटीमीटर, और ये फ्रीक्वेंसी है तो इसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का हम लोगों ने सुना है क्या, एच ई आर टी जेड शॉर्ट फॉर्म होता है एच जेड, ये यूनिट होता है इसका, हाँ, एंड दिस इज नथिंग बट पर सेकेंड, ठीक है। तो एक तो होता है फ्रीक्वेंसी, दूसरा वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड होता है टाइम पीरियड, पीरियड, और एक और चीज, किसी भी वेव का कैरेक्टर जो होता है वो उसका फ्रीक्वेंसी डिफाइन करता है, वेवलेंथ नहीं डिफाइन करता है। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। जैसे मीडियम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट वेव्स वगैरह ट्रेवल करते हैं, उनका कलर चेंज नहीं करता है, ठीक है, लेकिन स्पीड चेंज कर जाता है, वो इसलिए चेंज करता है क्योंकि उनका वेवलेंथ अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, ठीक है, बट कलर नहीं चेंज करता है, क्यों, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करती है। तो कैरेक्टर ऑफ लाइट इज डिफाइंड बाय देयर फ्रीक्वेंसी। डॉपलर इफेक्ट में कलर भी चेंज करता है, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट, पता है हम लोगों को, रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट, गैलेक्सीज पास आती हैं तो रेड, सॉरी दूर जाती हैं तो रेड शिफ्ट, पास आती हैं तो ब्लू शिफ्ट, ऐसा सुना है हम लोगों ने कभी, नो सर, कोई बात, नो सर, अच्छा ये बात तो सुना होगा हम लोगों ने, या देखा होगा, या एक्सपीरियंस किया होगा कि ट्रेन जब दूर से हमारे पास आ रही होती है तो उसके विसल की आवाज बहुत तेज सुनाई देती है, और जब हम लोग से दूर जा रही होती है तो सेम विसल की आवाज उसकी स्लो सुनाई देने लगती है, राइट, yes. आपको क्रॉस करके जस्ट वो स्टेशन से निकल रही हो, आती हुई ट्रेन और जाती हुई ट्रेन का अगर आप लोग एक्सपीरियंस करोगे, आती हुई ट्रेन का क्या होता है, पिच या ये आपको हायर मिलता है वो जब आ रहा होता है आपकी तरफ, और जब आपसे दूर जा रहा होता है तो वो बहुत रिलेटिवली स्लोअर होने लगता है, वहां पर भी बेसिकली फ्रीक्वेंसी का फंडा आता है, फ्रीक्वेंसी एक्चुअली उसकी अप्रोचिंग वाली वेव जो होते हैं, एंड दैट इज डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। अप्रोचिंग वेव्स जो भी होंगे अगर वो मूव कर रहे हैं ना तो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और जो दूर जा रही है वेव हमसे, और अगर वो मूव भी कर रही है, मतलब जो क्रिएट कर रहा है उस वेव को वो मूव कर रहा है, सोर्स इज मूविंग, ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू लोअर डाउन द
frequency. That these things you will learn in physics later on. Sound waves jab padhayega Manish, so he will tell you. ठीक है, Doppler effect. Then you will realize the. But anyway, वो सारी चीजें मेरा point नहीं. मेरा point सिर्फ ये है, frequency जो होती है वो fundamental कैरेक्टर होता है किसी भी वेव का, या किसी भी वेव को डिफाइन करने के लिए जो फंडामेंटल कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो आई एम क्लोजिंग एट दिस पॉइंट. नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको इनके डेफिनेशंस वगैरह बताऊंगा, और भी दो तीन टर्म्स होते हैं वेवलेंथ के बाद. एक होता है वेव नंबर, वो बताऊंगा. फ्रीक्वेंसी का इनवर्स टाइम पीरियड वो बताऊंगा. ये बताने के बाद फिर आई विल इंट्रोड्यूस यू गाइस टू स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसमें लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, ये सारी चीजें बताऊंगा. इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताऊंगा. फिर उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी जो है ये कैसे रिलेट करती है एनर्जी ऑफ द वेव को, ये बताऊंगा. एंड देन इतनी सारी चीजें जानने के बाद फिर हम लोग बोर्स मॉडल चालू करेंगे. सो मैंने वैसे समझ लो अगला एक घंटा जो होगा हमारा वो इन्हीं सारी फिजिक्स की चीजों के ऊपर जाएगा. ठीक है, जस्ट बिकॉज हम लोगों ने अभी तक उतनी फिजिक्स सीख नहीं रखी है. ठीक है सर? यस सर. रिकॉर्डिंग वर्जन? हाँ हाँ, मैं भेज देता हूँ. और सारे रिकॉर्ड, अच्छा मैंने लिंक आप लोगों को अभी तक शेयर नहीं किया है क्या? किया है सर. नहीं सर. क्या बोल रहे हो? गूगल ड्राइव का ना? हाँ किया है. किया है किया हाँ, वही है सारे लेक्चर. अरे सारे लेक्चर का वही लिंक है, मेरा मतलब उसी लिंक में सारे लेक्चर रहेंगे. ठीक है ना, बस वो चैप्टर वाइज लिंक चेंज करेगा तो एक बार भेज दिया करूंगा, और फिर वो सारे चैप्टर्स के सारे रिकॉर्डिंग्स उसी में मिलेंगे आपको. इसका अभी ये वाला लेक्चर का भी डालूंगा, और पिछले लेक्चर का भी डालना अभी आई थिंक बाकी है, वो मैं डालता हूँ अभी ही डालूंगा. ठीक है, और सर आज के वो पीडीएफ भेज देना ना. पीडीएफ कौन से सर? नोट्स. अच्छा पीडीएफ, ठीक है मैं निकाल के पूरा ही निकाल के भेज देता हूँ. चलो ठीक है. ओके सर. ओके बच्चा, चलो बाय. हैव अ नाइस. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर.